लेकिन अब बोर्ड परीक्षाओं की बात कर लेते हैं। कोरोना काल में छात्रों को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस वक्त की सबसे बड़ी और आम खबर निकल के सामने आ रही, बोर्ड परीक्षा 2022 को लेकर सरकार ने अभी भी कर दिया बड़ा लॉन्च। आपसे बता दें, कोरोना वायरस के चलते सरकार ने आज एक बहुत ही बड़ी और हाई लेवल मीटिंग आयोजित की, जिसमें बोर्ड की परीक्षा को लेकर काफी सारे बड़े बदलाव किए गए, जिसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है, जिसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले। यदि आप भी इस बार 2022 में बोर्ड की परीक्षा में बैठने वाले, तो आप तमाम छात्रों के लिए सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसकी संपूर्ण जानकारी के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही आप अपने बोर्ड और राज्य का नाम भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ताकि आपके बोर्ड से जुड़ी जो भी कोई अपडेट आएगी सबसे पहले आप तक पहुंचा के देखे। मार छोटी सी रिपोर्ट में बहुत ही बड़ी खबर। जी, आप सभी को बता दें, देश में कोरोना वायरस की वजह से जो पढ़ाई बाधित हुई है, उसी की पूर्ति करने के लिए सरकार ने कई सारे बड़े बदलाव करने शुरू कर दिए। खासतौर पर 10वीं और 12वीं की परीक्षा में सबसे बड़े बदलाव किए जा रहे हैं, जिसमें आपको सबसे पहले बता दें, पेपर पैटर्न को लेकर सरकार ने आज एक बहुत ही बड़ी मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें पेपर पैटर्न में एक बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया, जो आपको हम बताने वाले हैं। जी, आप सभी बता दें, इस बार जो पेपर पैटर्न बनेगा वो केवल दो खंडों के अंदर ही बनने वाला है। पहले ए बी और सी तीन खंडों में आता था, अब केवल दो खंडों में आएगा, यानी ए और बी, जिसमें आपके क्वेश्चन भी कम कर दिए हैं। इस बार आपको क्वेश्चन कम देखने को मिलेंगे, जिससे आप सभी को बिल्कुल ही राहत मिल जाएगी, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से पढ़ाई पूरे तरीके से नहीं हो पाई। उसी को देखते हुए सरकार ने यह सबसे बड़े ऐलान किया है। इस बार आप सभी लाल क्या रहे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा कई सारे छात्र, उनकी मांग है कि इस बार बोर्ड की परीक्षा ऑनलाइन होनी चाहिए, इस पर भी आप सभी फिलहाल क्या रहे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।